राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के बारे में। बिहार एसएससी 2014 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग, इस पर बात करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ऐलान, इस पर भी बात करने वाले हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट और नियुक्ति, विधायक जी खुलासा, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट के नहीं रहने पर भगा देगा क्या, इस पर भी बात करने वाले हैं। जल्द विस्तृत तिथि, कार्यक्रम, काउंसलिंग तिथि, शेड्यूल, इस पर भी बात करने वाले हैं। कट ऑफ में भारी गिरावट की संभावना, तो ये भी देखने वाले हैं कैसे हो सकता है। पहले तो आप लोग देख लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट के अनुसार भी हो सकता है, और उसके बाद आगे बात करने वाले हैं कट ऑफ में भारी गिरावट की संभावना कैसे बनती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोग जानते भी हैं कि यह बातें निकल कर सामने आई थी। आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग के जो आप लोग टाइप करके देख सकते हैं, उसमें भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जानकारी दी गई है कि आपको 8 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग के लिए 30 सहायकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जल्द ही काउंसलिंग होने वाली है, अल्प अवधि में ही। ये भी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। आप लोग यदि लिस्ट देखे होंगे रिजल्ट के लिए, तो उसमें भी यह बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। तो आप लोग को जल्द ही नियुक्ति देखने को मिल सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये सभी जो जानकारी है, आप लोग मुख्यमंत्री ऐलान अर्थात आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग में अर्थात उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। उसको आगे देख लेते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट और नियुक्ति के बारे में। तो विधायक जी का कहना था कि या तो 2.5 अर्थात ढाई गुने अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, जितने पद हैं उससे ढाई गुने अभ्यर्थियों को, तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसे में या तो दो बार काउंसलिंग करवाई जाए, तो ये होने वाला है, जिसमें सहमति जाहिर की गई थी। तो आप लोग को ऐसे में सेकेंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिल सकता है अर्थात सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो ये भी अच्छी खबर होगी सभी अभ्यर्थियों के लिए। उसको आगे बात कर लेते हैं कि जल्द विस्तृत तिथि, कार्यक्रम, सचिव जी। तो ऐसे में आप लोग देखे होंगे रिजल्ट के लिए, आप लोग देखे होंगे कि जो 39-40 पेज का था, तो उसमें ही आप लोग देखे होंगे प्रथम पेज में ही दिया गया था कि आपको जल्द ही शेड्यूल जारी होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा काउंसलिंग तिथि शेड्यूल, विस्तृत तिथि, कार्यक्रम। तो ये सभी के बारे में तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाना है, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। आप लोग को टाइप करना होगा BSSC बिहार, जो यहाँ भी लिखा हुआ है, आप लोग हेडलाइन देख लिए हैं, तो उसी को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आप लोग सीधे पहुँच जाएंगे जो .gov.in लिंक रहेगा, आपको प्रथम लिंक ही दिखाई देगा सामान्यतः। तो उसी पर आप लोग क्लिक करते ही आप लोग सीधे पहुंच जाएंगे उस पेज पर, और उस पेज पर आप लोग को सूचना पट या फिर बात करें नोटिस बोर्ड, उस पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं यदि कोई खबर आती है तो इसके बारे में। उसको आगे बात कर लेते हैं इसमें कि आप लोग को कट ऑफ में गिरावट कैसे हो सकता है और किस डॉक्यूमेंट के नहीं रहने पर, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें। तो आप लोग ये देख सकते हैं, एक तो बता दिए हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट यदि जारी होता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, तो उसमें आप लोगों को कट ऑफ में भारी गिरावट ऐसे भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं जितने शामिल हुए हैं, और उसका लगभग आप लोग समझ सकते हैं कि सेकेंड राउंड में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है। शैक्षणिक योग्यता नहीं रहने के कारण भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। उसको आगे देख लीजिए आप लोग, कैटेगरी मिस्टेक, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अप्लीकेशन फॉर्म में ही मिस्टेक कर दिए होंगे, कोटी में या फिर अन्य कोई भी गड़बड़ी कर दिए होंगे, तो ऐसे में वे भी बाहर होते हैं। तो आप लोग को चांस बनता है, उससे जो नीचे रैंक के अभ्यर्थी हैं उनको अवसर मिलेगा। उसको आगे देख लेते हैं, अन्य जॉब की बात करें तो अन्य जॉब भी बहुत सारे होंगे और इसकी भी बहाली होने वाली है, जैसे बिहार शिक्षक बहाली है। तो ये सभी में भी बहुत सारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो नहीं मिला है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया 38,000 अभ्यर्थियों का लगभग पूरा हो चुका है बिहार शिक्षक बहाली में। और ऐसे ही छठे चरण में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की बहाली होनी है। और उसी तरह से SSC का जो बात करें तो CGL, MTS, CHSL, ये सभी बहुत सारे को हो गए होंगे, तो इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी चले जाएंगे। उसी तरह से बहुत सारे अन्य जॉब हैं, आप लोग देख सकते हैं अपने अनुसार। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि
एज का भी मामला हो या फिर फोटो में गड़बड़ी फोटो, तो ये सभी का मामला हो सकता है। उसको आगे देख लीजिए आप लोग। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एडमिट कार्ड और एनओसी का भी मामला है, तो एनओसी के कारण भी देखा गया कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि यदि आप लोग काम कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए। एडमिट कार्ड यदि नहीं रहने पर, तो ये सभी बातें हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट देख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप लोग ये सभी बातें देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट आप लोग देख लिए होंगे, ज़्यादा बात नहीं करना है इस वीडियो में। तो आप लोग ये बता दिए हैं कि यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके पास होने चाहिए ग्रेजुएशन के भी डॉक्यूमेंट, यदि नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि ये इंटर लेवल का है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो क्षेत्र हैं, तो उसके बाद आप लोग देख लीजिए, उसके आगे देख लीजिए आप लोग निवासी होने का, ये भी लग सकता है, ये तो लगेगा ही आप लोग को। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि कैटेगरी, जाति प्रमाण पत्र और जो भी कोटी से हैं आप लोग को, ये होना चाहिए। उसको आगे देख लीजिए आप लोग को, ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कुछ ऑप्शनल भी हैं, जैसे कि बात करें लास्ट क्वालिफिकेशन CLC माइग्रेशन, ये सभी ऑप्शनल हैं। तो इसकी जरूरत उतना नहीं है, आप लोग को लिस्ट में बताया जाएगा इसके बारे में। उसका आगे देख लीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट जारी होता है तो आप लोग उसके अनुसार से आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार रख सकते हैं। उसको आगे बात कर लेते हैं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद ये जो दहेज है, ये सभी के बारे में बताया जाएगा कि लगेगा या नहीं लगेगा। उसको आगे बात कर लेते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका भी हार्ड कॉपी रखना है। उसका आगे बात कर लेते हैं इसमें कि जो आपका जो स्कोर कार्ड, तो ये सभी नहीं बात कर सकते हैं, ये सभी के बारे में अभी कहना मुश्किल है। उसका आगे बात कर लेते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के समय में लगता है, अधिकतर में देखा गया है, तो आप लोग को लग भी सकता है, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसका आगे देख लीजिए आप लोग, तो ये सभी जानकारी है। उसका आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, तो वही बातें हैं इसमें भी बताया गया है, तो सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं इस वीडियो में। आगे बात कर लेते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार टाइप करना है, या फिर आप लोग GAD बिहार टाइप करके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो ये टाइप करेंगे तो आपको .gov.in लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद, लास्ट में रहता है .gov.in, क्लिक करने के बाद आप लोग पहुंच सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद पहुँचने के बाद आप लोग नीचे जाकर, आप लोग ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में जाकर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं जो ऑर्डर लेटर हैं, जिसमें यह बताया गया है कि 8 से 25 दिसंबर के बीच काउंसलिंग के लिए 30 सहायकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार के जो लेटर हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, दिसंबर महीने का है तो आपको 1 दिसंबर को है, और इस अनुसार से आप लोग देख लीजिएगा दिसंबर में जितने भी लेटर हैं इस टाइप के। उसको आगे बात कर लेते हैं, इसमें आपको 13 विभागों से 2649 वैकेंसी अब तक आ चुकी हैं, तो ये भी अच्छी खबर है कि 13 विभागों से बात करें तो 2649 रिक्ति आ चुकी हैं। तो ऐसे में सेकेंड इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन अगले महीने में जारी हो सकता है, तो ये भी अच्छी खबर कही जा सकती है सभी अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार SSC के, और जिनका इसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, और जिनका नहीं भी होता है तो अगले महीने में बात करें तो 2649 रिक्ति आने वाली है। उसके आगे बात कर लेते हैं कि कुछ विभाग से और भी रिक्ति आना है, तो ये भी अच्छी खबर है, और भी पद जुड़ेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि 40,000 से यदि बात करें, 40,000 से यदि कम है तो प्री होगा, और यदि बात करें 40,000 से अधिक आवेदन गिरते हैं तो प्री मेंस, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उसको आगे बात कर लेते हैं कि नगर विकास, और बात करें नगर विकास सह आवास विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, और साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।